मैं पहुंच गया हूं नवादा, और ये आप नवादा का छोटा सा शहर है, और नवादा का लोकेशन देख सकते, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और नवादा से मेरे को लातेहार जाने का है, और लातेहार के बाद मैं निकलूँगा तो आगे नेतरहाट पहुँचूँगा मैं। फिलहाल तो मैं अभी लातेहार जाऊँगा। लातेहार यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, तो अब 27 किलोमीटर कवर करने का है मेरे को इस रोड पे। और रोड का कंडीशन देख सकते हैं, मस्त शानदार खूबसूरत। और मेरे को लगता है कि मैं इस रोड पे ओनली 1 पर्सन हूँ जो ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज ये और गाड़ी दिख नहीं रहा है, तो मज़ा आएगा मुझे अकेले चलने में। और उतना क्राउडेड है नहीं, और ट्रैफिक व्राफिक का इशू तो है बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बड़ा सीन गाइस। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. ये है लातेहार, और मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूं लातेहार में। और आप देख सकते हैं लातेहार शहर में मैं एंट्री कर रहा हूं फिलहाल में, और लातेहार शहर से आगे बढ़ के नेतरहाट के लिए मैं निकलूंगा गाइस। और लातेहार शहर का नज़ारा देख सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। तो यहाँ से आगे अंदर शहर की ओर मैं जा रहा हूँ फिलहाल। ये देखो, यहाँ से सीधा आगे बढ़ते धीरे धीरे जाऊँगा मैं। इसके बाद सो गाइस, मैं अभी नेतरहाट से 60 किलोमीटर पीछे हूँ, और अभी थोड़ा थोड़ा धूप भी है और छाया भी है, तो मैं अभी नेतरहाट के जंगलों में एंट्री करने वाला हूँ गाइस। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा धूप भी है, और ये पहाड़ एकदम हिल स्टेशन लाइन से खड़ा है। तो अब मतलब वेदर का टेम्परेचर है ना गाइस, तो इधर थोड़ा कम हुआ है पहले की अपेक्षा, और थोड़ा ब्यूटी नेचर जो होता है ना, वो उसको फील कर रहा हूँ मैं अच्छे से। तो अभी मैं फ़िलहाल नेतरहाट के पहाड़ियों में हूँ, और इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद अभी 60 किलोमीटर मेरे को ड्राइव करने का है, तो उसके बाद मैं पहुंचूंगा नेतरहाट। नेतरहाट से 50 किलोमीटर पीछे हूँ, और पीछे जैसे ही मतलब 50 किलोमीटर पीछे पहुँचता हूँ तो भयानक सा नदी, खूबसूरत नदी दिखता है मुझे। आप देख सकते हैं क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये ब्रिज पे मैं हूँ फिलहाल, ये देख सकते हैं इधर से पूरा हिल एरिया है, और आगे की ओर नेतरहाट है। नेतरहाट में भी ये रोड जा रही है ना, इसके साथ ही मेरे को जाना है, और आगे यहाँ से 50 किलोमीटर आगे नेतरहाट। तो देख सकते हैं क्या खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ से चलते हैं और आगे की ओर, यहाँ से नेतरहाट पहुँचूँगा। 50 किलोमीटर पर 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, क्योंकि बाइक में स्पीड उतना मैं चला नहीं रहा हूँ बाइक को, क्योंकि रोड थोड़ा कर्व है, कर लिया तो इसके लिए। तो चलते हैं और आगे की ओर, यहाँ से अब नेतरहाट के लिए रवाना होता हूँ। नेतरहाट से 30 किलोमीटर पीछे हूँ मैं फिलहाल, और यहाँ पे थोड़ा काम डाउन होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए रुका था। और इस जगह का नज़ारा देख सकते हैं क्या खूबसूरत है। इधर एक नदी है छोटा सा, और ये पानी का फ्लो इधर से स्टार्ट है, एक मस्त व्यू का शानदार नज़ारा आ रहा है। और मैं अभी इधर बाइक पार्क करके रुक गया हूँ, और आप देख सकते हैं अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो गाइस अब यहाँ से 30 किलोमीटर फाइनली मैं नेतरहाट पहुँच जाऊँगा 30 किलोमीटर चलने के बाद, और उसके बाद मैं नेतरहाट में व्यू पॉइंट और वाटरफॉल को एक्सप्लोर करूँगा। तो गाइस अभी मैं नेतरहाट से थोड़ा पहले ही हूँ, 30-35 किलोमीटर पीछे हूँ, और आप देख सकते हैं
हम लोग बाइक पार्क करके इधर ही पड़े हुए हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, और नदी से बेहतरीन आवाज़ आ रहा है। तो मैं वहाँ जाने का कोशिश करता हूँ और देखता हूँ क्या मस्त व्यू है, और उस नज़ारे को एक्सप्लोर करता हूँ और उस ब्यूटी को फील करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए नदी के पास चलते हैं, यहाँ पास में ही नदी है, आपको दिखाता हूँ मैं क्या मस्त व्यू आता है नदी का। वाह, बड़ा सीन मैन, खूबसूरत नदी, ये देख सकते हो। वो तो इस नदी में मैं अभी इधर साइड में रुका हुआ था ना गाइस, तो मेरे को ये आवाज़ आ रहा था, तो इसी साउंड के सहारे मैं आवाज़ सुन सुन के आया हूँ। ओहो, व्हाट अ सीन मैन, यू कैन सी कोटू मोटू वाटरफॉल। और ये खतरनाक सा नदी है गाइस, ये पहाड़। काफ़ी ठंडा पानी है और इस पानी को अपन पी भी सकते हैं, और मैं अच्छे से मुंह धो लिया हूँ, एकदम फ्रेश हो गया हूँ, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस वाटरफॉल के पास। और आप देख सकते हैं मैं एकदम वाटरफॉल के बेसमेंट में हूँ, और इसको मैं फील कर सकता हूँ और टच कर सकता हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। आप देख सकते हैं और यहाँ पे गाइस बहुत स्लिपरी है, तो मेरा जूता स्लिप कर रहा है पूरा चेक करके, तो इसके लिए मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा, शायद गिर जाऊँ ना तो पूरा गीला हो जाऊँगा मैं, तो मैं इसको अच्छे से फील कर लिया, मज़ा आ रहा है मेरे को। और आप देख सकते हैं इधर का व्यू, चलिए अपने बाइक के पास जाता हूँ और वहाँ से अपना सारा लगेज सेट करके निकलूँगा यहाँ से फ़िलहाल तो मैं। और यहाँ देखो यहाँ का लोकल ट्रेवल्स, पता नहीं क्या है यहाँ का लोकल्स जो वर्कर्स हैं वो हैं। और यहाँ से मैं अब अपने बाइक के पास पूरा फ्रेश हो गया हूँ, मैं चेहरा अपना धो लिया हूँ, तो बढ़ते हैं और आगे। सो गाइस मैं निकल गया हूँ आगे नेतरहाट के लिए, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था, रेस्ट का मज़ा ही आधा घंटा इधर ही बिता दिया मैं। एक छोटा सा वाटरफॉल था उसमें मतलब मज़े कर रहा था मैं, पानी से खेल रहा था। और अब मैं इसके आगे मैं भर गया हूँ नेतरहाट के लिए। अभी फ़िलहाल मैं नेतरहाट के जंगलों में हूँ, आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और वहाँ पर थोड़ा नदी था तो मैं उधर ही रुक गया था गाइस। तो देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा, और थोड़ा सा इधर गर्मी बढ़ गया है पहले की अपेक्षा, बिकॉज अभी बज रहा है 10:30, और 10:30 के टाइमिंग में ये गर्मी होना बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं धूप बढ़ गया है, और जंगलों के बीच में मेरे को धूप कभी कभी लगता है, कभी नहीं लग रहा है। तो चलते हैं इसी के साथ नेतरहाट का यात्रा को आगे बढ़ते हैं।
what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. फिलहाल मैं अभी हूँ नेतरहाट से 15 किलोमीटर पीछे और नेतरहाट के पहाड़ियों में फिलहाल चल रहा हूँ. आप देख सकते हैं यह पहाड़ों पे मैं चल रहा हूँ. क्या खूबसूरत पहाड़ी का रोड. और इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठंडा ठंडा मौसम और खूबसूरती को फील करते हुए मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर. नेतरहाट की वादियों में आपका स्वागत है. सो गाइस मैं फिलहाल मैं नेतरहाट की वादियों में हूँ चल रहा हूँ. और ये देखो वेलकम टू नेतरहाट. और यहाँ से मेरे को मैनोलिया सनसेट पॉइंट 13 किलोमीटर, अपर घाघरी जलप्रपात 9 किलोमीटर. तो मैं अभी अपर घाघरी वाटरफॉल के पास जा रहा हूँ फिलहाल. इसके बाद सनसेट पॉइंट पर जाऊँगा इवनिंग में. तो चलते हैं पहले अपर घाघरी वाटरफॉल के पास, देखते हैं क्या कंडीशन है वहाँ का, कैसा लगता है दिखता है. और दिखाता हूँ मैं आपको अपर घाघरी वाटरफॉल का नज़ारा कैसा दिखता है. और इसी के साथ मुस्कुराइए, आप नेतरहाट की वादियों में हैं. वाओ, व्हाट अ मैसेज मैन. फाइनली मैं नेतरहाट में पहुंच गया हूं. और ये देख लो झारखंड का गौरव, नेतरहाट में आपका स्वागत है. ये टूरिस्ट पॉइंट. और इस जगह से मैं यहां थोड़ा सा रेस्ट मारता हूं, कुछ कुछ खाता हूं. इसके बाद अब सर्च करके आगे बढ़ूंगा. अभी थोड़ा तो रेस्ट बनता है यार, बिल्कुल. सो गाइस मैं यहाँ चाय पी रहा था और चाय पीने के बाद मैं अब अपर घाघरी और लोअर घाघरी ये जो वाटरफॉल है उसके लिए मैं निकला हूँ. और फिलहाल मैं अभी नेतरहाट में हूँ. इस साइड में नेतरहाट का थोड़ा छोटा सा मार्केट है ऊपर में, और मैं वहाँ से अब नीचे की ओर जा रहा हूँ. तो अब देखते हैं वाटरफॉल से. वहाँ का लोकल से बात किया मैं, तो टोटल जो भी है ना वाटरफॉल सनसेट पॉइंट व्यू पॉइंट सब है, तो सब लेक व्यू टोटल इसी में है, इसी रोड में है. तो चलते हैं. और ये क्या है, दिस इज़ द फॉरेस्ट लैंड. तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले फोकस करूँगा कि यहाँ से मैं अपना वो क्या बोल फॉरेस्ट गेस्ट हाउस नेतरहाट लेक होटल सनराइज नेतरहाट लेबर कॉलोनी. क्या मस्त लेक है यहाँ पे, शानदार. यहाँ पे कैंपिंग करने का मज़ा कुछ और है, बट मैं कैंपिंग करने का व्यू से नहीं आया हूँ. मैं अपर घाघरी का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और लोअर घाघरी का थोड़ा कम है, तो देखते हैं कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा. और दोनों को मैं विजिट करूँगा आज. यह है मेरे राइट साइड लेक व्यू पॉइंट. तो यहाँ से लेक दिखता है. तो मुझे जाना है घाघरी वाटरफॉल, अपर घाघरी लोअर घाघरी. व्हाट अ सीन मैन, क्या नाम है. ऐसे ही है, मैं इसके पहले नेपाल ट्रिप किया था, तो वहाँ पे है अपर मुस्तांग और लोअर मुस्तांग. यहाँ है अपर घाघरी लोअर घाघरी. अपर घाघरी यहाँ से लेफ्ट.
ये रहा अपर घाघरी। देखते हैं ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि क्या सीन है। सो गाइस जब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ के लोकल से पूछा तो बाइक से जा सकते हैं नीचे, थोड़ा थोड़ा डैमेज रोड है, बट कोई नहीं, स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। ये देखो क्या कंडीशन है रोड का। ये है अपर घाघरी, अपर घाघरी वाटरफॉल। बस पहुँचने वाला ही हूँ मैं कुछ देर में। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये रहा अपर घाघरी वाटरफॉल। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपर घाघरी वाटरफॉल के पास। तो गाइस मैं फिलहाल अभी अपर घाघरी वाटरफॉल के पास हूं, और ये मेरे नीचे, मैं अभी जस्ट अपर घाघरी नेतरहाट के रास्ते अपर घाघरी वाटरफॉल के पास आ गया हूं, और मेरे नीचे अपर घाघरी वाटरफॉल है। तो मैं आप लोग को यहाँ से, मैं अपना बाइक इधर पार्क कर चुका हूँ, और बाइक पार्क करने के बाद मैं नीचे जाऊँगा और आप लोग को अपर घाघरी वाटरफॉल को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। इस बार तो काफ़ी मानसून है नहीं, इधर बारिश का कमी है गाइस, तो इसके लिए छोटा मतलब हल्का फुल्का पानी बारिश है, मतलब ज़्यादा वो डेंजरस नहीं दिख रहा है वाटरफॉल, बट अच्छा दिखा, छोटा मोटा वाटरफॉल है बट अच्छा है। जो भी है तो मैं उसको शूट करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसके बाद मैं सीधा नाशपाती बागान होते हुए लोअर घाघरी के लिए आगे बढ़ूंगा, और नहीं तो लोअर घाघरी अगर नहीं होता है तो सनसेट व्यू पॉइंट नेतरहाट का फेमस है, उस जगह पे जाऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर, नीचे आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। वाटरफॉल देखने के बाद मैं आगे रवाना हो जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वाटरफॉल फ्लो है इसका पानी का, और नीचे गड्ढे में गिर रहा है। और लोअर घाघरी के लिए सर्च करता हूँ, फिलहाल मैं अभी अपर घाघरी में हूँ। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपर घाघरी वाटरफॉल।